गोपागंज थाना क्षेत्र के इटोरा दुर्गपुर में शनिवार को ग्राम प्रधान द्वारा राजस्व विभाग की पैमाइश के बाद कच्चा सड़क निर्माण कार्य मनरेगा द्वारा कराया जा रहा था। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति कर कार्य को रोक दिया। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचित कर मामले से अवगत कराया। पुलिस मौके पर पहुंच पुनः कार्य प्रारंभ कराया व हिदायत दिया कि सरकारी कार्य में व्यवधान करने वालों के खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा। क्षेत्र के इटोरा दुर्गपुर में शनिवार को सुबह मनरेगा मजदूरों द्वारा 600 मीटर कच्चा सड़क निर्माण 15 कड़ी चौड़ा रास्ते का निर्माण ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गोविंद राजभर द्वारा कराया जा रहा था। इसी बीच गांव के कुछ लोग मौके पर आए और कार्य को रुकवा दिया। हालांकि प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बार बार कहा गया कि राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश के बाद ही उतना कार्य कराया जा रहा है, इसके बावजूद लोग नहीं माने तो उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची तो गोविंद ने बताया कि रामकरण चौहान के चक से धीरेंद्र चौहान के चक होते छोटी सरयू तक राजस्व विभाग की निशानदेही के बाद कार्य कराया जा रहा है। पुलिस मौके मुआयना करने के बाद विरोध कर रहे लोगों को कड़ाई से समझाते हुए कहा कि सरकारी कार्य में अगर दोबारा रुकावट किए तो कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहना। तब जाकर मजदूरों द्वारा कार्य प्रारंभ हुआ और लोगों ने राहत की सांस लिया। तो फिर विवाद किस बैठ के जब पक्के पैमाइश हो चुका था, तो जानते हैं ना सर, गांव में जो है जो कुछ अच्छा काम होता है तो कुछ लोग होते हैं ना रोकने के लिए, वैसा ही कुछ है लोग, इस किस्म के लोग जो दबंग है, मरमर किस्म के हैं, सोचते हैं कि काम जो है कि विकास का कार्य रोक करके इनको जो है मोबिलाइज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जो है हमको काम करने वाले प्रधान हैं और हम काम करेंगे, अपने लोगों को जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच को समझा बुझा कर काम कराएंगे, काम हो रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पर आई, प्रशासन जो है कि कहीं कहीं काम चालू कराइए, हम काम करा रहे हैं। किसके द्वारा काम कराया जा रहा है? ये हमारे माध्यम से हो रहा है काम, ग्राम प्रधान के माध्यम से। ये मनरेगा, मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा है। 100 से बहुत ज़्यादा मजदूर लगे हुए हैं, देखिएगा।